तुम्हें इतना खुश देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये खीर सबसे पहले तुम खाओ। पकड़ो। दरअसल बात यह है कि हमारे बेटे के लिए हर चीज बेहतरीन से बेहतर होनी चाहिए, इसलिए चखो कि मीठा ठीक है या नहीं और फिर इसे खिलाओ। खाओ नूर। रुकिए, छिपकली आ जी इसमें, पता नहीं कहाँ से गिर गई। लाहौर बिलाखुवत, ये सारी खीर खराब हो गई है, अब तक तो इसमें सारा जहर फैल गया होगा, इसे बाहर फिंकवा दो। अल्लाह खैर करे आपा जान, पहली बार इस लड़की ने हम लोगों के लिए कुछ बनाया और उसमें भी छिपकली गिर गई। न जाने किस नियत से बनाई होगी। रुको, खीर तो फिर भी चखी जा सकती है, छिपकली तो उसमें गिरी थी ना, लेकिन नूर के हाथ में तो वो खीर है जो उसने पहले ही निकाल ली थी। चखो। क्या मुर्तजिम देगा अरमान और आसमा का साथ। अरमान फाइनली पहुंच चुका है सरहद पार और उसे एक शख्स मिलता है, जहां पर अरमान बताता है कि मैं कहां से आया हूं और क्यों आया हूं। अब ऐसे में अरमान आसमा की फोटो उन्हें दिखाता है और वो जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि ये तो नूर है, और वो नूर को दूर से दिखाते भी है। अब जो नूर है वही आसमा है। अरमान जब उसे देखता है, देखकर खुश हो जाता है। दूसरी ओर आसमा को भी एहसास होता है कि अरमान यहीं पर है, मेरा कोई अपना यहीं पर है। दूसरी ओर मुर्तजिम जो है आसमा को गाड़ी में लेकर जा रहा होता है। अरमान देखते ही गाड़ी का पीछा करने लगता है, भागने लगता है, लेकिन वो शख्स से रोकते हैं कि तुम्हारे चोट लग सकती है। जब अरमान को पता लग ही गया है तो अरमान कैसे पहुंचेगा बेगम साहिबा के घर तक, कैसे लेकर आ पाएगा आसमा को वहां से, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। जहां पर एक तरफ मुर्तजिम आसमा से प्यार करता है, दोनों का निकाह होने वाला है, तो दूसरी तरफ बेगम साहिबा ने भी अपनी चालों को अभी विराम दिया हुआ है। लेकिन बेगम साहिबा बहुत शातिर हैं, वो ऐसे ही आसमा यानी कि नूर को नहीं जाने देंगी, और वो भी जब जब उनके बेटे मुर्तजिम से उसका निकाह होने वाला हो। लेकिन क्या मुर्तजिम करेगा अरमान और आसमा की मदद, क्या मिलवाएगा इन दोनों प्यार करने वालों को, पहले आपको क्या लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही, कमेंट सेक्शन में बताएं आप अपनी राय।